अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है और गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा इंजॉय की जाने वाली ये रेसिपी है। आज मैं आपको कैरी की चटनी बनाना सिखाऊंगी। ये चटनी ऐसी है कि आप लोग रोटी से ज़्यादा इस चटनी को ज़रूर खाएँगे। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको कैरी की चटनी बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए सबसे पहले मैंने कैरियों को काट दिया है, प्याज एक अदद दे दी और उसको बारीक काट दिया। इसके अलावा लहसुन के मैंने दो जवे दिए और उनको ऐसे बारीक काट दिए है। हरी मिर्चें मैंने दे दी। इन तमाम चीज़ों को चॉप करेंगे बहुत अच्छी तरह से। इन तमाम चीज़ों को चॉप करेंगे। तमाम चीज़ें मैंने चॉपर में डाल दी। अब हम इसमें डाल देंगे हसबे ज़ायका नमक, लाल मिर्चों का पाउडर और ज़ीरा। ये तीन चीज़ें इसमें डालेंगे। अच्छी तरह से इसको चॉप करेंगे, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों ने इसको चॉप करना है। ऐसे आप लोगों ने इसको चॉप करना है बहुत ही ज़बरदस्त। दो मिनट के बाद आप लोग देख सकते हैं तमाम चीज़ें मैंने चॉप कर दी हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, बहुत ही अमेजिंग। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त ये चॉप हो चुकी है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं फाइनल लुक आ चुकी है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हमारी इमली की चटनी तैयार हुई है। आप लोग गर्मियों में इसको ज़रूर बनाएं और इन्जॉय करें। आप लोग बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे कमेंट करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।